एक पास्ता, एक छोटा पीस ऑफ गोभी, एक ऑनियन और कुछ गाजर, सब जब एक साथ में जा रहा है ना, ट्रस्ट मी दोस्तों, इट सीम्स दैट यू नो टू टेस्टी. दोस्तों गुड मॉर्निंग. और फेस्टिवल का टाइम चल रहा है पूरा इंडिया में, और फेस्टिवल का मतलब खाना दोस्तों. और सुबह का टाइम है, सुबह का मतलब होता है एक जबरदस्त एंड स्वादिष्ट सा ब्रेकफास्ट. सो गाइस, आज एक फेस्टिवल के टाइम में आई हैव डिसाइडेड टू मेक द ब्रेकफास्ट विद माय ओन हैंड. मेरा तो खाने में, खाना बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, खाने में ज्यादा इंटरेस्ट है. बट डिस्पाइट ऑफ दैट, टुडे आई एम गोइंग टू ट्राई टू मेक अ डिलीशियस फूड फॉर द फेस्टिवल. तो कैसे मैं जल्दी जल्दी खाना बनाता हूँ सभी के लिए, वो तो दिखाएंगे. तो पहले आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कौन सा डिश आज सुबह के ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाला हूँ. सो गाइस, आई होप सो यू ऑल विल लव दिस फूड, एंड दिस इज पास्ता. तो ऑलरेडी आप देख सकते हो मैंने वन बोल ऑफ पास्ता ऑलरेडी मैं बॉईल करके रखा हूँ. और इसको कैसे मैं स्टेप आफ्टर स्टेप इसको मैं स्वादिष्ट पास्ता बनाता हूँ, ये पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ. सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं मेकिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ पास्ता. सो फ्रेंड्स, झटपट स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट बनाने के लिए ऑलरेडी आई एम रेडी. होप सो यू ऑल आर रेडी गाइस. तो पहले देख सकते हो मैंने दो कंटेनर यहाँ पर रख दिया हूँ. इसके अभी मुझको आई हैव टू जस्ट लाइक आग जलाना पड़ेगा, आई हैव टू जस्ट लाइक ऑन दिस ओवन. तो पहले ओवन जला लेते हैं. ओके, ओवन भी जल चुका है. नाउ क्या देना पड़ेगा कंटेनर में, आई हैव टू गिव सम ऑयल. So, दोस्तों ये है रिफाइंड ऑयल. तो रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा डालना पड़ेगा. तो थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल मैंने डाल लिया हूँ. रिफाइंड ऑयल से क्या होता है दोस्तों, इसका जो टेस्ट है बहुत बढ़ जाता है. तो अभी इसको थोड़ा सा इसका थोड़ा सा जो मैं आग थोड़ा सा भरा देता हूँ, इसको थोड़ा सा ऑयल को थोड़ा सा वार्म करना पड़ेगा दोस्तों. तो थोड़ा सा वार्म हो जाने के बाद व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू पुट सम ऑनियंस ओवर देयर. तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं ऑलरेडी काट कर रखा हूँ. यहाँ पर ऑनियंस है, कुछ चिलीज भी है. तो वन आफ्टर वन आई हैव टू पुट इट. तो ऑनियंस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स आपको देना पड़ेगा. ये मैंने ले लिया ऑनियंस, इसे छोड़ देते हैं. तो दोस्तों आई एम नॉट सो गुड इन कुकिंग, बट आई एम डूइंग इट, आई एम ट्राइंग. मुझे पता है आप लोग मुझसे भी ज़्यादा बढ़िया अच्छा शेफ हो, अच्छा खाना पका सकते हो. बट ये मेरे तरफ से एक छोटा सा कोशिश है, क्योंकि जीरो जो फेस्टिवल के टाइम में छुट्टी रहता है घर में बैठे बैठे क्या करता. तो चलिए पास्ता बना लेते हैं, बिकॉज ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिश मैं आई कांट मेक. तो इसको थोड़ा सा मैं तो स्टीरिंग कर देता हूँ. अभी आपको इसमें थोड़ा सा चिली भी, ग्रीन चिलीज एक्सेप्ट तो ग्रीन चिली मैं थोड़ा सा काट के रखा हूँ. तो ग्रीन चिली थोड़ा सा दे देता हूँ, बिकॉज आई लव चिलीज ओवर हियर. तो अभी थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेते हैं. ओके, आप देख सकते हो गाइस यहाँ पर फ्राई भी हो रहा है थोड़ा सा. ओके, लेट मी शो यू फ्रॉम द क्लोज. यस, पैन में फ्राई हो रहा है अभी. तभी इसमें क्या डालना पड़ेगा गाइस, अभी इसमें डालना पड़ेगा थोड़ा सा नमक. नमक ज़्यादा नहीं, नमक ऐसे ही हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं है. थोड़ा सा नमक मैं आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप टू गिव द नमक. नमक में मैंने डाल दिया है. और अभी इसमें हमको डालना पड़ेगा पास्ता. तो पास्ता को थोड़ा सा भी हम लोग डाल देते हैं. ओहो, इट्स सो गुड. तो गाइस अभी पास्ता को अच्छी तरह से पूरा आपको सीर इन कर देना है.
आपको कंटिन्यूसली आपको ऐसे नहाना पड़ेगा क्योंकि वरना नीचे लग जा सकता है। मैं थोड़ा सा क्या करूँ, जो आपका थोड़ा सा कम कर देता हूँ, बिकॉज नीचे लग रहा था, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट आई एम नॉट अ वेरी गुड शेफ, मुझे अच्छा खाना पकाना नहीं आता है, बट एक छोटा सा एक कोशिश है, आप देख सकते हो आई एम वेरी यू नो जस्ट लाइक नॉट प्रोफेशनल शेफ। तो अच्छी तरह से इसको फ्राई करना पड़ेगा गाइस। तो अभी थोड़ा सा स्पाइस भी डालना पड़ेगा, ये थोड़ा सा इसको बोला जाता है काला मिर्च। ओके, सो दोस्तों ये था काला मिर्च, मैं दे दिया इसको अभी थोड़ा सा अच्छी तरह से। काला मिर्च से क्या होता है, इसका स्मेल बहुत बढ़िया आता है और उसके साथ जो आता है एक कलर भी थोड़ा सा आ जाता है और टेस्ट भी यू नो गजब का टेस्ट भी आता है। पास्ता थोड़ा सा बॉयल हो चुका है, थोड़ा सा फ्राइड भी हो चुका है, तो अभी इसको टेस्ट ज्यादा बनाने के लिए वन आफ्टर वन वी हैव टू गिव द चिली सॉस। चिली सॉस पास्ता से बहुत जाता है, तो थोड़ा सा चिली सॉस भी अभी इसमें डाल लेते हैं। सोचा ऐसे जब लग जाए उस वजह से खा लीजिए। अभी अच्छी तरह से चिली सॉस को स्टीर इन कर देते हैं ऐसे अच्छी तरह। ये चिली सॉस नहीं, टोमेटो सॉस को अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लीजिए। अभी इसके बाद हमको ऐड करना पड़ेगा चिली सॉस गाइस, दिस इज द चिली सॉस। चिली सॉस ज़्यादा नहीं, मैं ज़्यादा चिली सॉस पसंद नहीं करता हूँ बोलो। ओके, चिली सॉस भी डाल दिया हूँ। अभी टोमेटो सॉस और चिली सॉस को अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं और वो एक बहुत ही ज़बरदस्त एंड बढ़िया स्मेल भी आ रहा है दोस्तों, क्योंकि सॉस डालने के बाद और स्पाइस एंड मसाला ऐड करने के बाद एक बहुत ही बढ़िया स्मेल भी आ जाता है। ओके, थोड़ा सा भी आग को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। सो अभी इसके साथ ऐड करना है दोस्तों, दैट इज द पहले से मैंने एक ऑमलेट बना के रखा हूँ, इसको भी इसमें ऐड कर देता हूँ। सो अभी इसको टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है ऑमलेट। ये गाजर मैं काट के रखा उसको फ्राइड, ये गाजर फ्राइड गाजर है, थोड़ा सा गाजर मैं फ्राइड करके रखा था। ये गोभी है, इसको भी मैं काट कर फ्राइड करके रखा था, इसको भी ऐड कर देते हैं। ये गाजर को मैंने ऐड कर दी, इसके बाद गोभी को भी ऐड कर दिया, हो गया। अच्छी तरह से मिक्स कर दो, ये टेस्ट को तो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है गाइस। सो नाउ आप देख सकते हो ये कलर भी आ रहा है और इट स्मेल्स वेरी गुड। वन एक चीज़ मैं भूल गया, पास्ता से अगर पास्ता का टेस्ट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा एक सब्जी है जिसका नाम है कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, बट आज अनफॉर्चुनेटली ग्रीन कैप्सिकम फ्रिज में नहीं है, तो विदाउट ग्रीन कैप्सिकम आई एम मेकिंग इट। ये भी टेस्टी होगा शायद, अभी तो खाया नहीं है, शायद ये भी टेस्टी होगा, बट ग्रीन कैप्सिकम अगर दे दें तो ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है।
फ्रेंड्स पास्ता इज रेडी. सो दोस्तों पास्ता का जो कलर देखिए, पता नहीं आप इससे भी, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आप लोग इससे भी ज़्यादा बढ़िया बेस्ट पास्ता बना सकते हो. बट एज अ जस्ट बिगिनर शेप तो मुझको थोड़ा सा कंसिडर कीजिए. ये हो गया मेरा पास्ता रेडी. फेस्टिवल टाइम है, ऐसे 5 मिनट में मैं कैसे पास्ता बनाता हूँ, कैसे मैं सुबह का ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, नाश्ता बनाता हूँ, दिस इज द ऑन द वे. तो चलिए अभी देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है. ओके, तो एक पास्ता. नॉट बैड फ्रेंड्स. दोस्तों ट्रस्ट मी, मैं खुद बनाया हूँ, बस इसका टेस्ट है लाजवाब. इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्रिपेयर्ड कुक्ड बाय मी. मैं यूजुअली ज़्यादा खाना बना नहीं बनाता हूँ. जब घर में छुट्टी के दिन रहता हूँ तब छोटी मोटी कोशिश में करता हूँ द स्मॉल स्मॉल रेसिपीज. सो इसमें ये जो पास्ता, आज का जो पास्ता बनाया गया है, इट इज़ द वन ऑफ द फाइनेस्ट डिशेज एवर आई हैव मेड. तो चलिए इसको इंतज़ार छोड़ कर पूरा खा लेते हैं. एक पास्ता, एक छोटा पीस ऑफ गोभी, एक ऑनियन और कुछ गाजर, सब जब एक साथ मुँह में जा रहा है ना, ट्रस्ट मी दोस्तों, इट सीम्स दैट यू नो टू टेस्टी. जस्ट ऐसा लग रहा है खुद कोई शबाशी दे दूँ टू मेक सच अ ब्यूटिफुल एंड टेस्टी पास्ता. सो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा कोशिश टू मेक अ टेस्टी डिलीशियस फूड विद इन 5 मिनट्स इन द टाइम ऑफ फेस्टिवल. अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के तो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी. सो दोस्तों सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड. तब तक के लिए अच्छे रहिए, हेल्दी रहिए और बचिए फ्रॉम द ऑल द नेगेटिव पीपल. सो गाइज सी यू वंस अगेन.